अगले कॉलर हैं सहारनपुर से, बॉबी जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी मैम, नमस्ते जी, नमस्कार मैम, मैम। जय जी से बात करवा दीजिए। बात कर लीजिए। जी स्वागत आपका। जय हिंद, आपकी बात हो रही है। नमस्ते वैद्य जय हिंद, स्वागत। जी। सर मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ फायदा पहुंचता है आपको? नहीं जी सर, फायदा तो पहुंचता है, गैस वगैरह बनती है। अब सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे शरीर में वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पित्त उछलता है पूरी बॉडी में, कहीं कभी कहीं खा देती है फिर तो चल जाता है, फिर और बैक में फूलने से वो हो रही है, एलर्जी नहीं ठीक हो रही है। और कभी भी शरीर में बॉडी में कहीं भी कभी 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 पेन होने लगता है, कभी चेस्ट में होता है, कभी बैक में होता है, कमर में, कभी बाजू में होने लगता है। इस चीज से परेशान हूँ, क्या कुछ उपाय बताइए घरेलू। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी 44 है, 45 हो जाएगी अब मार्च में। हाँ देखिए, ये उम्र में फिर ये तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। और एक तो एलर्जी एलर्जी के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है कि आपके घर में खाने का सोडा है, वो एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में डाल दीजिए, और एक चुटकी नमक जैतून असली वाला लेकर वो भी डाल दीजिए। और खाली ये दिन में एक बार पी लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार। और इस नुस्खे को और भी अच्छा बनाया जा सकता है कि अगर अलसी लेकर, फ्लैक्स सीड जिसे कहते हैं अलसी, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख लिया जाए और आधा चम्मच ये अलसी खाई जाए और इस पानी के साथ खाई जाए, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल नुस्खा बनता है। दर्द किसी के कहीं भी हो, और ये नुस्खा एक काम नहीं करता, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, खून को साफ़ करता है, एलर्जी को दूर करता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और किडनी और लीवर को बड़ा साफ और तंदुरुस्त रखता है। अब रहा दर्द का सवाल, किसी को भी दर्द हो और कैसा भी दर्द हो, कमर का हो या डिस्क का हो या नसों का हो, मोंडों का, घुटनों का, दुनिया में एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो कच्ची दवा है कि उसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन इसका असली मिल जाना ज़रूरी है। सिर्फ आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी दर्द को फ़ायदा पहुंचना मुमकिन है।